हर हर महादेव संगौरा पार्वती। 91वां एपिसोड संक्षिप्त शिव पुराण शुरू करते हैं। पार्वती का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलाई खुल गई। आपसे क्या कहूं, विशेषता उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूं, यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए यहाँ उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं, फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छावास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को प्राप्त, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त कर हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ, वे भगवान शिव ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? महादेव जी के पास किस बात की कमी, जो वे भगवान सदाशिव सब मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है, और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यह मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सर पर क्यों धारण करते? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्वों को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागिनी होना पड़ा है। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए।
शिव दोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वह वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान विष्णु ही मेरे अभिष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है। इस प्रकार वे सदैव काल के अधीन है। मैं अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उस पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह अवध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का धारण करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। कि राजनंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाली मुझ सुजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। आपने अध्याय सुना, इसको मनन करेंगे तो एक बहुत गोपनीय बात यहां दृष्टिगोचर होती है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े योगी निर्विकारी भगवान शिव शंकर है, जो कभी किसी मोह में आसक्त नहीं हुए। यहां पर वो मां पार्वती से एक प्रेमी की भांति बात कर रहे हैं, यानी प्रेम देवताओं के लिए भी एक अभिष्ट चीज है। प्रेम निंदनीय नहीं है, प्रेम त्यागने के लिए नहीं है, पर यहां जिस प्रेम की बात की गई है वे देहिक प्रेम नहीं, वह आत्मिक प्रेम भी है। एक उत्तम प्रेम कहानी का वर्णन है, दो योगियों के मिलन की गाथा है, और उससे संसार का किस प्रकार उद्धार होता है यह भी यहां बताया गया है।
तात्विक दृष्टिकोण से यदि समझेंगे तो हर बात का उत्तर इसी ग्रंथ में हमें प्राप्त होगा। माँ गौरी और प्रभु शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। संत गौरा पार्वती। धन्यवाद।